देखने को मिलेंगे। ये 3v4 का सिनेरियो, टीम आउटसाइड स्पोर्ट्स ऑलरेडी एक वन माउथ ऑफ द केव को जो है होल्ड करके थोड़ा सा शेल्टर के नीचे स्टेयर्स के दौरान खेलती नजर आएगी, लेकिन टीम ब्लाइंड के प्लेयर्स को भी 70 मीटर जोन के अंदर प्रवेश लेना और मात्र 26 सेकंड का समय यहां से शेष है। इनकी एंट्रेंस काफी ज्यादा मुश्किलात भरी रहने वाली है। यहां पे 5 टीम्स 14 प्लेयर्स बिल्कुल से देखने को मिल रहा है। 27 मिनट का समय, हाइड्रा के पास वो हल्का सा हाइट का एडवांटेज, जोन का एडवांटेज, मैन एडवांटेज जरूर है। ये एक नया हाइड्रा, नई उम्मीद निकल के आ रही है 14 फिनिशर्स पॉइंट के साथ। 4 मैन स्ट्रॉन्ग एट दोस एंड जोन, दे आर गिविंग एन फेनोमिनल मास्टर ब्लास्टर गेम प्ले फ्रॉम देयर साइड, बट एट द सेम पॉइंट वहां पे बात की जाए टीम ओएस के प्लेयर्स की, डिफिकल्टीज उनके लिए काफी ज्यादा बढ़ते हुए कहीं कहीं जरूर से नजर आएगी। डाउन द ग्राउंड जरूर है, टीम आउटसाइड के प्लेयर्स डिफिकल्टी बहुत उनके लिए पड़ेगी, मैन एडवांटेज जरूर है, बट कैपिटलाइज करना जो हम कहते हैं वो थोड़ा सा नहीं कह पा रहे, क्योंकि एक चीज अगर आरोप आप देखें तो सारी एक्सपीरियंस टीम हमें यहाँ पे कहने के नजर आ रही है, टीम ब्लाइंड, टीम इनसेन, टीम हाइड्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक से बढ़कर एक टीम जब हमने सामने जाती है तब रिजल्ट कहने के कुछ और ही निकल के आता है। बिल्कुल, अगर ऐसे में बात करें थर्ड पे वो भी देखा जाएगा काफी ज्यादा कमाल की यहाँ पर जो टीम था वो फाइट लेने वाली, लेकिन इनसेन के सही हम इसी दौरान फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे। आउटसेट के इवैक वाईटी भी जो है सर्वाइवल करना चाहते हैं, टीम हाइड्रा के प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, बैक टू बैक फाइट्स का सिलसिला रहने वाला जारी, स्पाईओपी के द्वारा कन्फर्मेशन निकाली जाएंगे, लेकिन टीम हाइड्रा इज स्टिल 4 मैन के साथ और ये फिनिश में बढ़ोतरी करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है ये टीम। और टीम हाइड्रा वर्सेस टीम ब्लाइंड वर्सेस टीम आउटसेट एंड टीम इनसेन, ये मैच काफी ज्यादा करारा। टीम ब्लाइंड के प्लेयर ग्रेनेड कर रहे हैं पूरी तरीके से, ग्रेनेड की जो प्रक्रिया है वो भी रहेगी जारी, और टीम हाइड्रा को थोड़ा सा सप्रेस करना चाहते हैं टीम ब्लाइंड के प्लेयर्स अपने पास, क्योंकि कुछ अच्छे हायर ग्राउंड्स हैं, लेकिन डेंजर जब तक मुझे लग रहा है तैनात है ना, तब तक आप इतनी आसानी से जो है ना टीम हाइड्रा के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर नहीं सकते। बैकबोन ऑफ टीम हाइड्रा, मैं कहता हूँ ना कि जब तक एक टीम प्लेयर है तो आपको उम्मीद रहती है, आपको वो जज्बा रहता है, आपको सपोर्ट मिलता है, पूरी टीम रहे ना रहे बट एक दो प्लेयर ऐसे रहते हैं टीम में जिसे जो सपोर्ट है काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से मिलता है। ये लीजिए ग्रेनेड वहां पे जाता हुआ जरूर से नजर आएगा, ब्लाइंड के डेडपूल का हाइड्रा के क्यूटी को टेक डाउन जरूर से किया गया। ये पहला ओपनिंग पिक जिसकी जरूरत थी अगेंस्ट टीम हाइड्रा वो टीम मिल चुका है यहाँ पे टीम ब्लाइंड ऑफिशियल का। टीम ब्लाइंड वाले इस टीम की जितनी तारीफ करी उतनी कम, गन पावर इनका हम बोल नहीं सकते, जिस तरह से तांडव में गन पावर शोकेस के टीम ब्लाइंड एंड टीम इनसेन दैट वाज जस्ट Fantastic to watch out, and ये लीजिए डेंजर की तरफ से भी ग्रेनेड जाता हुआ जाएगा, डाउन द टिप जरूर है हल्का सा डेंजर, सामने टीम ब्लाइंड स्पोर्ट्स के प्लेयर्स है, एक बढ़िया ग्रेनेड मुश्किलें काफी ज्यादा कह के बढ़ा जो सकता है। 4 टीम्स 10 प्लेयर इतने छोटे जोन में, कैन यू बिलीव दैट, 8वां ये जोन है, 8वां ये सर्कल, एंड यहाँ पे टीम हाइड्रा एंड टीम ब्लाइंड के अलावा और भी दो टीम नजर आ रही है, बट डेडपूल का ग्रेनेड जाएगा फोर्टी को वापस टिकल के, नॉट इन द पिक ऑफ टीम ब्लाइंड, बिकॉज़ बायोपिक बट डेंजर वापस एक्शन में नजर आएंगे, टिकल कर जाएगा डेंजर की तरफ से। 4 टीम्स 6 प्लेयर्स डेंजर ये ग्रेनेड ओएस के पॉइजनस को टिकल किया जाएगा, उसके पॉइजनस को पिक ऑफ भी वहां पे कर रहा है, बट ये जैज़ ओपी एक मास्टर मूव, एक टेरिफिक मूव।